हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। दोस्तों, आई एम श्योर कि आप सभी लोग SCO समिट के बारे में जानते होंगे। SCO समिट यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और रिसेंटली इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। अब चर्चा इसलिए हो रही है, इसका जो समिट हुआ है इस साल वो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ है, 3 और 4 तारीख को। ठीक है, देख क्या है, 2015 से आप अगर देखोगे तो PM मोदी ने हर एक समिट को अटेंड किया है, लेकिन इस बार वो समिट में नहीं गए। अब इसके पीछे लोगों द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान के साथ मंच ना साझा करना पड़े, इसलिए PM मोदी जो है समिट में नहीं गए। लेकिन PM मोदी की जगह पर जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो समिट में गए हैं। ठीक है, अब ये खबर आप देख सकते हो, ठीक है, ये वाली भी न्यूज़ आप देख सकते हो, और इसके अलावा ये वाली भी इसकी न्यूज़ आप देख सकते हो कि PM मोदी टू स्किप SCO समिट इन कजाकिस्तान, ठीक है, एस जयशंकर विल रिप्रेजेंट इंडिया, ये पूरी न्यूज़ है। ठीक है, जयशंकर जो है टू रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, और इसीलिए यहाँ पर जो है पूछा भी जा रहा है कि आखिरकार PM मोदी ने ऐसा क्यों किया है, क्या हो सकता है, क्या भारत ने SCO समिट का जो इम्पोर्टेंस है उसको थोड़ा कम कर दिया है, मतलब चल क्या रहा है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कई लोगों को सरप्राइज किया, क्योंकि इस बार का जो समिट है वो 3 और 4 जुलाई को हुआ। ठीक है, उसके अंदर PM मोदी नहीं गए। बेसिकली अगर मैं आपको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊं तो इसमें जो है टोटल 9 मेंबर हैं। देखिए, पहले तो चाइना, रशिया और यहाँ पर जो 4 कंट्रीज, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये 6 कंट्रीज हैं, ये मेंबर हुआ करते थे। फिर 2017 में भारत और पाकिस्तान मेंबर बने, तो टोटल 8 हो गए। लेकिन पिछले साल क्या हुआ है कि जो ईरान है वह भी इसका मेंबर बन गया, करीब 2022-23 में, तो टोटल मिलाकर इसके समय 9 मेंबर्स हैं। ये आपको ध्यान में भी रखना है, और कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं जैसे बेलारूस और मंगोलिया, जो आगे चलकर ये भी मेंबर जो है बन सकते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वह किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि म्यूचुअल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो सिक्योरिटी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इस मुद्दों पर बातचीत करता है, आपस में सहमति बनाने की कोशिश करता है। बेसिकली ये जो 9 मेंबर्स का ग्रुप है, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म बन जाता है, ताकि यहाँ पर जो है ना भारत को जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वह हम इन देशों के साथ रख सकें। और साथ ही साथ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 2015 से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो जब भी ये समिट हुई है, ठीक है, मैं आपको शो करता हूँ कि 2015 से लेकर जब भी आप देखोगे जो समिट हुई है, PM मोदी ने उसको अटेंड किया है। भारत कब मेंबर बना? भारत तो 2017 में मेंबर बना, लेकिन उसके पहले से ही 2015 से ही एक ऑब्जर्वर जब स्टेटस था भारत का, तब से वे फिजिकली PM मोदी वहां पर जाते थे, एक तरह से मीटिंग करते थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ है पिछले साल कि भारत अध्यक्ष था, ठीक है, अब भारत द्वारा इसको होस्ट करना था, लेकिन यहां पर जो समिट हुई वर्चुअल मोड में हुई। अब क्या हुआ कि चाइना इससे जो नाखुश हो गया पिछले साल भारत से, क्योंकि जिस डेट को समिट होना था उसको पोस्टपोन किया गया भारत के द्वारा, क्योंकि उस समय PM मोदी जो है USA के विजिट पर जा रहे थे, तो चीन का कहना था कि कहीं ना कहीं भारत जो है SCO को कम इम्पोर्टेंस दे रहा। खैर, अब जो भी है, लेकिन इस बार PM मोदी ने समिट को जो है अटेंड नहीं किया, और कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि अस्ताना में हुआ समिट, उनसे फोन पर बात की और कहा कि मेरा फुल सपोर्ट है इस समिट को अच्छे से कंडक्ट कराने का, और साथ ही उनको कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि उनके लीडरशिप में ये पूरा कोऑपरेशन, पूरा समिट वो तेज गति से आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन वहां पर जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं उनकी तरफ से बताया गया था कि PM मोदी इसको अटेंड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि 3 जुलाई को पार्लियामेंट का सेशन होना और काफी कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि नई सरकार बनी है, इसकी वजह से PM मोदी शायद वहां पर नहीं गए। लेकिन देखिए, कई सारे कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं पहले, अगर आपने आप देखा होगा पार्लियामेंट का सेशन होता ही रहता है, लेकिन कई बार PM मोदी का विदेश दौरा गया है, भले ही वहाँ कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो, लेकिन PM मोदी जो है वहाँ पर गए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आना चाहिए मन में कि आखिरकार भारत जो है SCO कितना सीरियसली लेता है। देखो, साल 2018 की बात है दोस्तों, साल 2018 की बात है कि PM मोदी ने एक्रोनिम दिया था, ठीक है। बेसिकली भारत 2017 में जब इसका मेंबर बना, तो एक तरफ से यहाँ पर जो सबसे बड़ा फोकस था SCO को ज्वाइन करने का, वो यही था कि पूरा जो ग्रुप है वह आपका जो है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की तरफ, पीस की तरफ ज़्यादा जो है फोकस करता है, ठीक है। किसकी तरफ फोकस करता है? पीस की तरफ ज़्यादा फोकस करता है। यहाँ पर काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन बेहतर तरीके से हो सके, क्योंकि आप समझिए जो मैंने आपको मैप दिखाया, ठीक है, स्टार्टिंग में जो मैंने मैप दिखाया था आपको, ये देखो आप,
ये जो मैप दिखाया है इसके अंदर पाकिस्तान भी है, ठीक है, चाइना भी है, तो हमें प्रॉब्लम इस समय कहाँ पर है? बॉर्डर पर। अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से स्पेशली पाकिस्तान टेररिज्म यहाँ पर लगातार जो है भेजता रहता है, टेररिस्ट भेजता रहता है, तो यहाँ भारत के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत है। कहीं ना कहीं भारत चाहता है कि अगर इसका मेंबर बन जाएगा, ये बन जा, तो काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन और बेहतर तरीके से यहाँ पर हो सकेगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब देखो दोस्तों, इसके अलावा 2021 में यूएसए जो है अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा था, ठीक है दोस्तों, 2021 में यूएसए जो है अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा था, उस समय काफी बातचीत चल रही थी कि विड्रॉ ना किया जाए, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भारत चाहता था कि हम इसको यानी एसटीओ को ज्वाइन करें और यहाँ पर चीजों को जो है सिक्योर कर सके, भारत का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इनफैक्ट आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि भारत एससीओ को कितना ज्यादा सीरियसली लेता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर आप देखोगे तो भारत में जो है, पाकिस्तान में भी इसको पार्टिसिपेट किया था, आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन है भारत का इस समय, भारत का यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का जो टाइज है पाकिस्तान के साथ नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जब एससीओ समिट पाकिस्तान में होस्ट किया गया तब भारत ने वहां पर भी पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर हमने जो है रिफ्यूज नहीं किया, क्योंकि हम चाहते थे कि अगर पाकिस्तान में कोई समिट हो रहा है, कोई बातचीत हो रही है, तो वहां पर जो है काउंटर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर भी बातचीत होगी और इसको कहीं ना कहीं रोका जा सकेगा। अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत जो है अमेरिका के काफी करीब होता जा रहा है, लेकिन इस बीच यहाँ पर जो हम चाहते हैं कि एक दो तीन पावर सेंटर ना रहे पूरी दुनिया में, ये मल्टी अलाइनमेंट कहीं ना कहीं दुनिया जो है हर एक देश के साथ हम इंगेज करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल यह भी आता है, एसटीओ के अंदर जितने भी मेंबर है उसमें क्या भारत सबसे अलग है? अब देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी मेंबर्स हैं, भारत इकलौता ऐसा मेंबर है जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। सोच कर देखिए, भारत इकलौता ऐसा है मेंबर है, ठीक है दोस्तों, ये देखिए मल्टी अलाइनमेंट की हमने बात करी थी, तो भारत इकलौता ऐसा मेंबर है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि एक ग्रुप के अंदर किसी एक देश के साथ भारत का किसी भी प्रकार का एंगेजमेंट नहीं है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। अब एक और सवाल यहाँ पर ये सामने भी आता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको बनाया क्यों गया और ये किस तरीके से काम करती है, ठीक है दोस्तों। देखो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न संस्कृतियां और सभ्यताएं पनप रही थी, एक समय आया जब कुछ देशों ने महसूस किया कि मिलकर काम करने से वे अपने देशों को और ज्यादा मजबूत, सुरक्षित, समृद्ध बना सकते हैं। इसी सोच ने जन्म दिया एससीओ समिट को। साल 1996 में चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के नेताओं ने मिलकर संघाई में एक बैठक की। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य इन देशों के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थिरता बनाए रखना था, ठीक है, शांति स्थिरता बनाए रखना था। उन्होंने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया जिसे संघाई फाइव कहा गया, ठीक है। अब समय धीरे धीरे बीतता गया, 2001 में उज्बेकिस्तान भी इस समूह में शामिल हो गया। इसके साथ ही इस संगठन का नाम बदलकर संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। अब इस संगठन का उद्देश्य जो है केवल सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं था बल्कि आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद जैसी समस्याओं से भी मिलकर लड़ना था, ठीक है। साल 2017 में भारत और पाकिस्तान भी एससीओ के सदस्य बन गए, जिससे इस संगठन की शक्ति और प्रभाव बढ़ गया। एससीओ का जो उद्देश्य है सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार और आर्थिक विकास को प्रमोट करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करना। इसके अलावा हर साल एससीओ सदस्य देशों के नेता एक समिट में मिलते हैं जिसे एससीओ समिट कहा जाता है। इस समिट में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं, नीतियां बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, आने वाले समय के लिए रणनीतियां तय करते हैं। इन बैठकों के माध्यम से एससीओ सदस्य एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हैं और अपने क्षेत्रों में शांति स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं और साथ ही सुरक्षा में, आर्थिक सहयोग में, संस्कृति आदान प्रदान में मिलकर काम करते हैं। तो ये कुछ पूरा टॉपिक था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो जियोपॉलिटिक्स को लेकर जो भी अपडेट रहेंगी उनको हम कवर करते रहेंगे, बाकी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की आप लोग तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, पढ़ते रहो, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। थैंक यू।